मतलब वीडियो बनेगी नहीं कभी भी यार। ऐसे 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 वीडियो बनाओ ना, मैं बस अपना काम कर दूंगा, आप बताओ। नहीं आपको जो करना मतलब नहीं नहीं आप बताओगे, मैं थोड़ी बताऊंगा आपको प्रॉब्लम। अरे बात मुझे मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो एडजस्टमेंट जानता हूं। सामने बातें करो भाई, बताओ क्या कौन हो आप, क्यों आए हो? मैंने कहा मैं कैमरा फेस नहीं करा इसलिए बोल रहा हूं। तो हंसा के बताओ ना मुझे उसको, क्यों सोचते हो तुम कैमरा को? मैं ना कोई तो बोल दे। अच्छा मैं चालू हो गया। हां हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है और मैं लार्ज 8-9 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ और पिछले 2 साल से मैं अपने लेफ्ट हैंड से बहुत परेशान था। आई थिंक टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम थी और मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ और बहुत सारी मेडिसिन खा चुका हूँ जिससे मेरे लीवर में प्रॉब्लम आ गई थी और काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट चला है। बट सर के पास आने से मुझे काफ़ी फ़ायदा दिख रहा है और मैं थोड़ा वर्कआउट शुरू करने लगा हूँ। बाकी आपको सर बताएंगे मुझे बेसिकली प्रॉब्लम थी क्या। तो मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ इनकी प्रॉब्लम क्या है। मैंने उन्होंने बस इतना बताया था कि इनके हाथ जब भी ये हैमर करते हैं या बाइसेप्स करते हैं, ये बाइसेप्स हमेशा ये घुमा के करते हैं तो इनके एल्बो में पेन आता है। तो इससे जो मेरी समझ है कि जो उनकी मसल है जिसको ब्रैकियल एडियस बोलते हैं, ये वाली मसल, ये इसको ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं तो इनको स्ट्रेन नहीं करना या इसको यूज़ नहीं करना और सीधे सीधे सिंपल एक्सरसाइज करें। अगर कोई इसमें प्रेशर है, कोई अगर इन्फ्लेमेशन है तो मैं अपनी थेरेपी से ठीक करूंगा, बाकी और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी में इनको अगर जितना भी परसेंटेज वाइज आराम मिला है वो उसकी वजह से मिला है। कई बार हम क्या करते हैं, ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स हर चीज में रोटेशन यूज करते हैं तो ये रोटेशन एक्चुअली एल्बो पे मूवमेंट नजर आता है और इसकी वजह से ब्रैकियल एडियस पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, चाहे वो हैमर हो या कोई चीज हो। तो उनको लगता है कि इसको जितना हम स्ट्रांग करेंगे उतना ज्यादा डोला स्ट्रॉन्ग होगा, बट ये भूल जाते हैं कि ये बाइसेप्स तो ऊपर से चालू होता है इतने बड़े जॉइंट से और छोटे जॉइंट पे जाके कनेक्ट होता है। और ट्राइसेप्स बहुत ज्यादा फाइन मूवमेंट्स के लिए बना हुआ है, स्मॉलर बहुत ज्यादा हैवी मूवमेंट्स के लिए नहीं बना हुआ। तो ये जब भी इस पे ज्यादा लोड डालते हैं फाइबर्स बेचारे परेशान होने लग जाते हैं, इरिटेट होने लग जाते हैं। और जैसे सचिन तेंदुलकर को आपने देखा ही होगा 16-17 साल खेलने के बाद उसको भी इंजरी हो गई। ये भी उसी उम्र के होंगे, सचिन की उम्र के है ना, सचिन से छोटे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो 16-17 साल खेलने के बाद इनको भी दिक्कत हो गई होगी और ये 20-22 टाइटल जीते हुए हैं तो अब इनको 22-24 टाइटल जीतना है ना। तो हम ये करेंगे, सर को प्रॉमिस किया इस बार जो टाइटल आएगा वो मेडल सर के कंधे पे डाल, हां हमारे गले में वीडियो और बनाएंगे, वीडियो के साथ बनाएंगे। तो यही हमारा फोकस है। आप भी अगर यही दिक्कत करते हैं तो प्लीज इस दिक्कत को ना करें। जिनके साथ दिक्कत नहीं है तो वो लाइट वेट पे करें, हैमर या कर्ल बहुत ज्यादा हैवी करने की जरूरत नहीं है। बारबेल कर्ल में हमेशा एक्शन सीधा रखें और खासतौर से जो आर्म बूस्टर आता है उसके साथ जब आप करेंगे, जब एल्बो स्टेबलाइज हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा वेट वैसे भी नहीं उठा पाते, सिर्फ बाइसेप्स पे काम करते हैं। लेकिन जैसे ही हम एल्बोस पीछे ले जाते हैं तो हमारे शोल्डर्स काम करने लग जाते हैं और स्टेबलाइजर्स काम करने लग जाते हैं, उसी में हम ज्यादा से ज्यादा हैवी उठाने की कोशिश करते हैं। वो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बाइसेप्स बूस्टर का यूज करें, एल्बोस को स्टेबलाइज करें आगे या पीछे हर जगह पे और अपनी एल्बोस को और शोल्डर्स को दोनों को बचाएं। मेक श्योर आपका आर्म वर्कआउट बाइसेप बूस्टर्स के बिना ना हो। अब मैं एडजस्टमेंट करता हूँ, व्यूअर्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते होंगे ज्ञान दे दे के। हाँ अब देखिए, जैसे मैंने दिखाया था ये है स्ट्रॉन्गर आर्म्स है ना, कि दिख रहा है जैसे हाथों से पीछे ले जाओ, हाँ तो थोड़ा सा एल्बो को पीछे किस, हाँ देखिए यहाँ पे जैसे आपको कॉन्ट्रेक्शन फील होता है इसका मतलब है कि आर्म और स्कैपुला कॉन्ट्रेक्टेड है, मसल्स एक्टिवेटेड है। और जिन लोगों के एल्बो पीछे जाने के बाद भी यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन फील नहीं होता यानी कि शोल्डर वीक हो चुका है, सेम चीज यहाँ देखो फर्स्ट क्लास। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी प्रेशर आ रहा था ये सारी चीजें यहीं पे इनको दिक्कत थी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इनकी शेप देखता हूँ, बैक देखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ये हल्का सा कर्वेचर है जिसको ये बैलेंस आउट एक्सरसाइज से कर लेंगे, छोड़ देंगे। नाइसली ओपन अप, नाइसली जंप कर लेंगे। नीचे वाले बॉडी में छोड़ देंगे। बिना कुछ किए खुल गया उस तरफ,
राजी देख रहे हैं आप कितना स्टिफ है। ये तो होंगे ना, तो फिर भी खुल गए हैं। खुल गए 30 पार हो गए ना अभी। अच्छा तो आप सरेंडर कर रहे हैं? छोड़ ले पीछे, सीधा ले लेंगे। इजी नाइस इजी, आ जाओ। सो व्यूअर्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब किए बगैर, लाइक आइकन को हिट किए बगैर मत जाइएगा। हमारा बहुत कम कंटेंट लोग देखते हैं, मेहनत हम सबसे ज्यादा करते हैं। अगर आप देखेंगे जितनी नंबर ऑफ वीडियोस पूरे वर्ल्ड में कायरोप्रैक्टिक में कोई नहीं डालता, हम डालते हैं। सबसे ज्यादा सस्टेनेबिलिटी, सबसे ज्यादा रेगुलरिटी के साथ हम कंटेंट बनाते हैं और नए पेशेंट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। Is it on Insta? We are on Insta, YouTube, everywhere. By which name? Active Plus, ACTIVE, double C. Or Dr. Jeetu Mishra, we can search anything.